हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग घोराल पर। मैं हूं आपका फ्रेंड परमेश्वर सिंह और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईटी क्लास 10 एडुकेयर पब्लिकेशन बुक के पार्ट ए के यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स के सभी सेशंस के अनसॉल्व्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। देखिए सेशन 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन, मींस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना क्यों आवश्यक है एक्सप्लेन करिए। आंसर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हेल्प कंट्रीज ग्रो इन वेज दैट अडॉप्ट टू द चैलेंजेस पोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज व्हिच विल इन टर्न हेल्प टू प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस फॉर आवर्स एंड फ्यूचर जनरेशंस। सस्टेनेबिलिटी फोकसेस ऑन इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ दैट जनरेट्स वेल्थ फॉर ऑल विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस देशों को उन तरीकों से ग्रो करने में मदद करती है जो क्लाइमेट चेंज से उत्पन्न चैलेंजेस के अनुकूल होते हैं, जो बदले में हमारी और आने वाली जनरेशंस के लिए महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करने में मदद करती हैं। सस्टेनेबिलिटी इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करती है जो पर्यावरण को हार्म किए बिना सभी के लिए वेल्थ उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चैलेंजेस को राइट करिए। तो यहां पर मैं जो आंसर प्रोवाइड करने वाला हूं वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। ओके, देखिए आंसर, चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चैलेंजेस। फर्स्ट, लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेटेड पार्टनरशिप मींस इफेक्टिव लीडरशिप और कोऑर्डिनेटेड पार्टनरशिप की कमी। नेक्स्ट, सोशल इंक्लूजन मींस सामाजिक समावेश। नेक्स्ट, अनडिफाइंड स्कोप एंड स्प्रेड ऑफ SDGs मीन्स SDG का अनिर्धारित स्कोप और स्प्रेड। नेक्स्ट, लैक ऑफ मेजरेबल इंडिकेटर्स मीन्स मापने योग्य संकेतकों की कमी। नेक्स्ट, फाइनेंस एंड बजटिंग, फाइनेंस और बजट की कमी। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड ऑनरशिप मीन्स किसी भी मॉनिटरिंग और ऑनरशिप संस्था का न होना। नेक्स्ट, डाटा फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस मीन्स प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए आवश्यक डाटा। मैं इस क्वेश्चन का एक और आंसर प्रोवाइड करने वाला हूं जो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में होगा। देखिए, फर्स्ट, वार एंड इनस्टेबिलिटी। सेकंड, सुटेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। थर्ड, गवर्नमेंटल इश्यूज। फोर्थ, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ, द ग्लोबल इकोनॉमी। सिक्स्थ, पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्प इन लिमिटिंग द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, मीन्स किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्प कर सकता है नेचुरल रिसोर्सेस के यूज को लिमिट करने में। आंसर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स टू प्रमोटिंग द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मिनिमाइज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ऑन नीड्स। मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य उस तरह के विकास को बढ़ावा देना है जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को कम करता है और फ्यूचर जनरेशन की अपनी जरूरतों को पूरा करने की कैपेबिलिटी से समझौता किए बिना प्रेजेंट जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। द इकोनॉमी कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज कोल पेट्रोलियम बिकॉज दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। मीन्स इकोनॉमी कोल पेट्रोलियम जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के उपयोग पर आधारित नहीं हो सकती है क्योंकि इन रिसोर्सेज की भरपाई नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करिए। आंसर, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs is the sustainable development. Means वह development जो future generation की जरूरतों को पूरा करने की means वह development जो future generation की अपनी जरूरतों को पूरा करने की capability से समझौता किए बिना present generation की requirement को fulfill करता है उसे कहते हैं sustainable development. Some principles of sustainable development. Okay, देखिए sustainable development के कुछ principles. First, conservation of the ecosystem and environment. Means ecosystem और environment की रक्षा करना, उसका संरक्षण करना. Second, conservation of biodiversity of the planet. Means planet की biodiversity को conserve करना, संरक्षित करना. Next, sustainable development of the society. Society की sustainable development करना. Next, conservation of human resources. Human resources की संरक्षण करना. Next, population control and management. Population को control करना और manage करना. ये सभी principle हैं sustainable development के. Next question, why are the sustainable development goals important? Means sustainable development goals important क्यों हैं? Answer, the sustainable development goals aim to transform our world. They are a call to action to end poverty and inequality, protect the planet and ensure that all people enjoy health, justice and prosperity. It is critical that no one is left behind. The target of development work is never achieved effectively if the adverse effects are ignored. Means sustainable development goal का aim हमारी दुनिया को बदलना है, वे poverty और inequality को समाप्त करने, planet की रक्षा करने और सभी लोगों के लिए health, justice और prosperity को ensure करने के लिए call for action है. यह important है कि कोई पीछे न रहे. यदि एडवर्स इफेक्ट को इग्नोर किया जाता है तो विकास कार्य का लक्ष्य कभी भी प्रभावी ढंग से प्राप्त नहीं होगा. नेक्स्ट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू डू एज अ सिटीजन फॉर डेवलपमेंट टू बी मोर सस्टेनेबल. मींस डेवलपमेंट को अधिक सस्टेनेबल बनाने के लिए आप एज अ सिटीजन क्या कर सकते हैं? आंसर, there are some things that we can do as a citizen to make development more sustainable. Means यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं as a citizen development को ज़्यादा sustainable बनाने के लिए. देखिए, first, use public transport instead of your vehicles. Means अपने वाहन का प्रयोग करने के बजाय public transport का use करें. Next, start bicycling for short distance. Means थोड़े दूरी के लिए bicycling करें. Next, don't left the tap opened. Means tap को opened न छोड़ें. Next, avoid wasting water. Means water waste न करें. Next, use more energy efficient automobile. Means ज़्यादा energy efficient automobile का use करें जो कि कम pollution उत्पन्न करें. Next, avoid using single-use plastic. Single-use plastic को use करने को avoid करें. Means use ना करें. Next question, if you were to open a food joint, how would you manage the waste in order to achieve sustainable development? Means यदि आप एक restaurant या hotel open करने वाले हैं, तो आप waste को कैसे manage करेंगे sustainable development को achieve करने के लिए? Answer, points to manage waste to achieve sustainable development. Means sustainable development को achieve करने के लिए waste management के कुछ point. First, conduct a waste audit. एक waste audit conduct करें. Next, donate. अगर आपके पास कुछ ऐसा waste है जो कि किसी use का हो सकता है तो उसे किसी को donate कर दें. Next, composting. जो waste बच रहा है उसको composting कर सकते हैं, उससे आप खाद बना सकते हैं. Next, recycle. जो waste बच रहा है उसको recycle भी कर सकते हैं. Okay, तो ये points हैं जिनके through आप waste को manage कर सकते हैं.
ओके क्लास, इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।